हेलो गाइस, आज हम एक और क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन पर, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल रखा है, दो पॉइंट दे रखा है। इसी पर मैंने एक और क्वेश्चन कर रखा है, हेडिंग होगी क्वेश्चन ऑन स्ट्रेट लाइन। तो आप पूरे क्वेश्चन ऑन स्ट्रेट लाइन के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे देख लीजिए, सारी वीडियो, जिससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे क्वेश्चन देख देख के, ठीक है। क्योंकि उसमें मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ कंसेप्ट और क्वेश्चन भी समझाता हूँ, ठीक है। तो इसका फिर से एक और क्वेश्चन का पार्ट आ गया है स्ट्रेट लाइन का। तो पॉइंट दे रखा है 0,0, ठीक है, और एक लाइन दे रखी है, ठीक है। वो दे रखा है एच इज इक्वल टू एक्स माइनस एच इज इक्वल टू एच माय एच ब्रैकेट एच प्लस एच एक्स प्लस एच प्लस के ब्रैकेट वाई प्लस के इज इक्वल टू 0। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, एच एक्स प्लस एच स्क्वायर प्लस के वाई प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है इस पॉइंट से, एक लाइन जाएगी इस लाइन पर, ठीक है। तो आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने पहले भी बताया था, चलो फिर मैं इस बार भी बताऊंगा। तो 0 × h कर लो, 0 × h प्लस 0 × k प्लस एच स्क्वायर कॉन्स्टेंट एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो आपका आंसर हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब मैं सिंप्लीफाई करके समझाता हूँ क्यों। यहाँ पर ये ले लो, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का होल स्क्वायर जो होगा वो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर के बराबर होगा, होगा ना। और इसके नीचे भी एच अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर है, तो एक कट जाएगा तो अंडर रूट आ जाएगा ऊपर, ठीक है। जब अगर कैंसिल करेंगे तो एक अंडर रूट आएगा, तो फिर यही बच गया। अब हम बताते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला होता क्या है। एच इज इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू वाई प्लस कॉन्स्टेंट अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब सोच रहे होगे आपको ये ए और बी क्या है। ए जो है टर्म्स है जो एक्स के जो लाइंस के साथ होते हैं ना एक्स, तो वो होता है जैसे यहाँ पर एच एक्स है तो मैंने एच लिखा था, और एक्स की वैल्यू जो है 0। जो पॉइंट्स होते हैं वो एक्स के लिए, जो पॉइंट होते हैं वाई के लिए, ठीक है। तो कंसेप्ट भी समझ आ गया होगा आपको और डाउट भी सब क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन कैसे करते हैं। एक क्वेश्चन से ही आपको समझाया जाएगा। सो बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।